ये हमारा फूल आज खिल गया। इसमें देखिए कितनी सारी बीमारी लगी हुई है। ये मैंने पूजा कर लिया है। सूर्य निकलते हुए यहाँ से आज इसमें भी फूल खिल गया है। ये देखिए फूल खिलने के दिन आ चुके हैं गाइस। और देखिए इसमें पत्ते आ चुके हैं। सारे पत्ते इसके ठंड से ख़राब हो गए थे ना, और इतनी जल्दी इसमें आ रहे हैं तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। और ये देखिए इसमें भी निकल रहे हैं, इसमें गुलाब निकल रहा है। सीजू का ये है। पीछे का बैकग्राउंड। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, नहा धो के जो भी मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं वो आजकल थोड़े से टाइम पे निपट गए थे। अब मैं जा रही हूँ किचन में। हूँ किचन में तो क्या बनाऊँ, मैगी मैक्रोनी क्या क्या खाओगे ये बताओ। सो गाइस मैं बनाऊँगी, सबसे पहले मैगी बना लेती हूँ। साफ मॉर्निंग का हल्का ही रखते हैं आज का, उसके बाद फिर थोड़ी देर में रुक के देखेंगे, फिर रोटी बनाना होगा तो फिर रोटी बनाएंगे। तो चलिए लग जाते हैं। मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और आज का व्लॉग सुबह के 8 बजे से स्टार्ट कर दिया। कपड़े धो के मैंने अभी बाल्टी में रखा है, पता अभी मैंने डाला नहीं है तो अभी डालेंगे कपड़े। इतनी तेज़ धूप है, जल्दी सूख जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा लेट में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत। सो गाइस इसके बाद मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले बनाएंगे हम चाय। तो यहाँ पे मैंने दूध का भगोना निकाल दिया है, अंशु के लिए बनाऊँगी मैं दूध। तो बाकी काम मैंने जैसे बताया सब कुछ निपट चुका है, बट वही सुबह का नाश्ता रहता है। तो आज है संडे, तो आज का व्लॉग मैं कोशिश करूँगी आज ही डालने की, पूरी कोशिश रहेगी। एक तो मैं दो तीन दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ। जो आपके पास वीडियो आई थी वो पहले की थी, यानी 14 तारीख की थी, और तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इसीलिए। तो फिर मैंने कहा चलिए आज कोशिश करेंगे इस वीडियो को आज ही डालने की। तो संडे का दिन है, आराम से मेरा काम चल रहा है। बट संडे को हमारा जो टाइम टेबल हमेशा की तरह रहता है, टाइम पे उठना टाइम पे काम करना, तो वो कभी चेंज नहीं होता है गाइस, वो हमेशा रहता है। बस हो गया तो कभी कभार वैसे आधा घंटा, इससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं। जो हमारा रूटीन है वो फिक्स ही रहता है, चाहे संडे हो या चाहे मंडे हो। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चाय बना ली है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। अंशु पी रहा है दूध, तो उसके लिए मैंने उबाल दिया है, बिस्किट रखे हैं और यहाँ पे, तो चाय के साथ कभी कभी चल जाता है। तो अंशु को मैंने दूध छान के दे दिया, उसके बड़े नखरे होते हैं, दूध में थोड़ी सी भी मलाई लग जाए ना नहीं पीते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना, दूध तो बहुत पसंद है, बट दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना अंशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके चक्कर में कई बार वो छोड़ देता है पीना। मैंने कहा चलो छोड़ दे, इससे पहले मैं ही इसे वो कर लूँ छन्नी लगा के। और इसके बाद फिर चाय पी ली थी, थोड़ी देर बैठ गए थे और तो मैंने कहा चलिए क्या बनाऊँ, यही हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज रोटी ये सब नहीं बनाते हैं, तो यही हो रहा था कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा सिंपल सा मैगी पकड़ते हैं, मैगी बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए बनाया भी नहीं था। तो मैगी बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है मेरी। थोड़ी सी मैंने मटर निकाल दिए हैं, 2 प्याज 2 टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं बनाऊँगी। हालांकि अंशु को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी वजह से मुझे सिंपल मैगी बनानी पड़ती है, बट मैंने उसे आज धमकी दे रखी है कि जो भी बनेगा सब खाओगे। डराना भी पड़ता है ना बच्चों को कभी कभी, वरना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, करते हैं मतलब ऐसा। इसके बाद ये आ गए थे खजूर, ये दीदी के वहाँ से आ रखा है, दीदी भिजवाते रहती है कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ कभी कभार ऐसे। तो खजूर मैं खाते जा रही हूँ और अपना काम करते रह रही हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे खजूर बहुत। और इसके बाद फिर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च और इन तीनों को मैंने कट कर लिया है। ये मैगी है, तो उसको मैं अभी तोड़ के बनाऊँगी मैगी को,
और यहाँ पे ऑयल भी ख़त्म हो चुका था तो पैकेट पड़े। वैसे हम पूरा इसको उठा के लेके आते हैं बट ये हस्बैंड जी पता नहीं क्यों पैकेट लेके आए हैं, तो चलिए मैं इसको खाली कर दूँगी और उसके बाद फिर अपने कार में लग जाएंगे। तो इसको ना मैं पिचका पिचकू के, ये थोड़ा टाइम लेता ना निकलने में, तो इसको मैंने पिचका पिचका के वो कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर इस तरीके से रख दूँगी ताकि जितना भी इस मेरे बहुत तेल निकलता पता है इसमें से, तो ये धीरे धीरे निकलता रहेगा। तो ये खजूर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था तो मैंने इसको फाड़ के खाना स्टार्ट भी कर दिया है। खाते रहूँगी, कोई नहीं खा रहा था मेरे अलावा तो मैं ही खाते रहती हूँ चटर पटर, कभी कभार चलता है मेरा। तो पता है ये पूरा पैकेट मैं शाम तक ख़त्म कर देती हूँ, कभी कभार होता है ना मुँह चलता रहता है मेरा। तो यहाँ पे बस बनने की तैयारी चल रही है, मैंने बर्तन लगा दिया है, उसमें मैं भी जीरा डालूँगी। सो गाइस, आप लोग का संडे कैसे जाता है? वैसे तो काम काम में ही रहता है बट आज का संडे मेरा अच्छा गया, मतलब इतना ज़्यादा कुछ काम मैंने किया नहीं बट फिर भी दिन का ना पता ही नहीं चलता है कैसे, मतलब पूरा दिन निकल जाता है। तो यही है, एक दिन ऐसा ही सही। और इसके बाद फिर थोड़े से मटर हो रखे थे, ख़राब भी हो रहे थे तो मैंने उसमें से छांट लिया, जो बेकार वाला था ना उसे फेंक दिया है। और इसके बाद फिर मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया, वो भी मैं सोची थी काटू ना काटू, मैंने कहा चलो काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बारीक बारीक करके कट कर लेंगे। और इसके बाद चलिए बनाने की तैयारी करते हैं मैगी। किस किस को पसंद है? वैसे सिंपल मैगी भी अच्छी लगती है जो बॉयल करके बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मटर डाले, मुझे याद ही नीरा मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये कट करके रखे हैं शिमला मिर्च प्याज टमाटर, तो इसी में ही मैं मटर डाल देती हूँ, सब चीज़ एक साथ फ्राई हो जाते हैं। बट मुझे याद ही नीरा मैंने डायरेक्ट मटर डाल दिए जो कि ब्लास्ट होने लग गए थे, मैंने जल्दी से ढक्कन लगा दिया, सबसे गंदा काम लगता है। तो इसके बाद फिर इसको मैंने अच्छे से जो भी इसमें वेजिटेबल कट किए थे उसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद थोड़े से ये वाले मसाले डाल दिए हैं मैंने और थोड़ी देर पानी डाल के इसको पका लिया था। फिर इसके बाद ये जो मैगी मसाला है इसको डाल देंगे। तो मैगी मसाला एक वो वाला आता है ना सब्जियों में डालने वाला, वो भी बड़ा अच्छा लगता है सब्जी में डाल के, टेस्ट बदल जाता है उससे। इसके बाद थोड़ा सा इसको डाल के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, और जब ये थोड़ा सा इसका जो मसाला है जो ग्रेवी है इसमें वो थोड़ी पक जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मैगी। तो बस ये थोड़ी देर उबलेगी, तब तक मेरे थोड़े से बर्तन हो रखे हैं किचन में, उनको मैं हाथों हाथ समेट लूँगी। आज मैंने किचन की विंडो खोल रखी है गाइस, मैं खोलती नहीं हूँ वैसे, हवा चलती है ना यहाँ पे इसीलिए, तो अच्छा लग रहा है कभी भी सुबह सुबह सीधे सूर्य की रोशनी सीधे गैस पे पड़ती है, किचन में आती है तो अच्छी लगती है। बर्तन धो के मैंने उन बर्तनों को लगा लिया था और इसके बाद तब तक इतना ही कर रहा था कि मैगी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं सर्व कर लेती हूँ सारे बाउल में, थोड़ी सी ठंडी होने दी थी उसके बाद ही डाली थी मैंने इसमें। सो गाइस, इसे सीधे लेके चलते हैं बाहर और बाहर बैठ के हम आराम से खाएंगे। तो ये है हमारी मैगी सिंपल सी, और बाहर का मौसम अच्छा हो रखा है। ये मौसम ना आजकल थोड़े बदलावों से बहुत जनों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, बुखार कोल्ड मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है ना, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों हो जा रहा है, रात को भी कभी गर्मी हो जा रही है कभी ठंडा हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं। तो गाइस जो है नाश्ता पानी हमारा जो भी था हल्का फुल्का वो हो चुका है और किचन को कर दिया है मैंने साफ़ सुथरा, हम देख सकते हैं। दूध नहीं उबाला था तो दूध अभी उबलने के लिए रखा है, और बाकी ये काम तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अंशु चले गए हैं पढ़ने के लिए, हस्बैंड जी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं हो, थोड़ा सा लेट में आए तो अभी वो आराम कर रहे हैं। इनको मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है कपड़े पे, थोड़ी देर में लगाऊंगी। तो बस एक काम अभी मेरा बाकी है वो है कपड़े डालने का, तो कपड़े डालने जा रही हूँ मैं नीचे, और उसके बाद फिर दो तीन चीज़ें जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। तो बस एक काम बचा है उसको फटाफट से निपटा के आ जाती हूँ, टाइम हो रहा है अभी, फटाफट से उसको डाल के आती हूँ फिर। और उसके बाद फिर मैंने मंगाया था रिंग लाइट,
तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। आज है संडे तो मैं आज का ही इंतज़ार कर रही थी कि आज मैं अच्छे से खोलूँगी करके, क्योंकि फिर ना उसको वो करना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है स्टैंड को, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं सोची थी संडे को जब घर में रहेंगे हस्बैंड जी तो दोनों मिलके उसके खोल के लगा के सेट करके अच्छे से चेक करेंगे। तो ये परसों को आ गया था और परसों से अभी तक मैंने उसको ओपन करके भी नहीं देखा है कि कैसा है क्या है। इससे पहले मैंने एक बार और मंगाया था, सेम यही चीज़ मंगाई थी रिंग लाइट, बट वो उसका जो स्टैंड था ना वो थोड़ा सा ढीला हो रहा था, इसलिए फिर मैंने मंगाया है। तो वो मुझे परसों रिसीव हो गया, ये भी मैंने खुल के नहीं देखा है कैसा है। तो एक हफ्ते का टाइम होता है चेंज के लिए, इसलिए इसको भी हम आज ही करेंगे। बट अभी हस्बैंड थोड़ा सा आराम कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर में खोलेंगे। बट जो मैंने खोल रखा है उसके उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले डाल के आते कपड़े, बाकी यहाँ का हो ही चुका है। तो मैंने कपड़े ना बाल्टी में रखे हैं और मैं कपड़े मेरे ना रोज़ हो जाते हैं तो मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, जिसकी वजह से कपड़े कम होते हैं इकट्ठे में। सर मैं क्यों नहीं सो रही है? मतलब ना के बराबर धोती हूँ, अच्छी सोती है जब तो भी ये सोती है। चप्पल मुझे अगर जगह पे नहीं मिलती तो बड़ा गुस्सा आता है, तो मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है। इसमें सो, यहाँ पे आ जा, नी नी कर दे, यहाँ पे नी नी करो, नी नी कर दे इसमें, हाँ इसमें नी नी कर, नीचे नहीं सोते। सो गई, इसी हैं कपड़े। चलिए इसके बाद मैं बाहर चली कपड़े डालने के लिए। जैसे मैं नीचे कपड़े डालने लगी तो हमारे पड़ोस में हो रही थी गाइस लड़ाई किसी सामान बेचने वाले से। तो वही कोई सामान बेचने वाला आया था तो उनसे सामान ले रहे थे, न जाने क्या हुआ, वही बहसबाजी चल रही थी। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं देख रही थी। बट फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाले, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चेयर है उनको मैंने समेट दिया है, सामान थोड़ा सा अच्छे से लग गया है। तो हल्ला गुल्ला हो रहा था आज, पता नहीं क्यों दो जगह लड़ाई हो रही है, इस इधर भी उधर भी, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं आ चुकी हूँ फिर से अंदर, जो कि मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये है मेरा थोड़ा सा कुछ सामान। ऑनलाइन मैंने जो भी सामान मंगाया था वो सारे मैं बाहर लेके आ गई। मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये वाली साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी, तो ये नेट की साड़ी है और ये है इसका ब्लाउज। ये मैंने आप लोग को दिखाया है बट ये सिलाया नहीं था, बस ये मैंने सिलवाने के लिए दिया था और ये सिल के आ चुके हैं। मैंने कभी पहनी नहीं है इसको, बट उसी टाइम पर लगा के चेक किया था। तो ये ब्लाउज है और आप देख सकते हैं पूरा मिरर वर्क है, जो प्लास्टिक वाला मिरर होता है वो वाला है। और मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, इसमें लगाई है तो मैं बाद में लगवाऊंगी, पहले मैंने सोचा था ऐसे ही पहनूंगी, बट देखेंगे बाद में जो भी करना है। तो ब्लाउज और साड़ी तो हो चुका था, मैंने कहा चलिए ये भी शेयर कर लेते हैं। तो ये इसका पूरा बॉर्डर है, कपड़ा इसका बहुत ही प्यारा है, जो नेट है ना इसका वो काफ़ी सॉफ्ट है, मिरर वर्क किया हुआ है, पूरी साड़ी हल्की है। और प्राइस तो मुझे याद नहीं है कितना है इसका, बट आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है ये। इसके बाद ये वाली टी शर्ट, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी, ये मैंने दो मंगाई थी, एक मैंने पहनी थी आपने देखी थी और एक ये है। तो इसका फैब्रिक भी बहुत ही प्यारा है, सॉफ्ट है, प्योर वाइट में है, बट इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वेयर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद फिर मैंने एक ब्लाउज मंगाया था ब्लैक कलर में, ये वाला नेट वाला आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चल रहे हैं इस टाइम पर। तो मैं सोच रही थी मंगाऊँ ना मंगाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलिए मंगा के देख लेते हैं ब्लैक कलर, ताकि ये सब में चल जाए। और नेट का है कपड़ा, इतना प्यारा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मुझे रिसीव हुआ है। कई बार मीशो के कपड़े होते हैं ना कुछ निकलता है, बट मेरे आज तक भगवान की कृपा से सारे पार्सल अच्छे निकले हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पीछे जो हुक दिया गया है ना वो काफ़ी मतलब अच्छे दे रखे हैं। तो ये ब्लाउज़ थोड़ा सा मुझे फिटिंग करानी पड़ेगी, ब्लाउज़ बहुत ही प्यारा है, जब मैं इसे वेयर करूँगी ना तो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद ये वाला स्टैंड भी मैंने मंगाया था, पहले भी मैंने मंगाया था और फिर ये मैंने मंगाया है, तो ये सीधे घर जाएगा। पहले वाला मैंने रिटर्न कर दिया था, फिर मैंने ये मंगाया, बट ये इसको मुझे लगाने के लिए ना टाइल पे ड्रिल करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती, इसीलिए इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगी, इसको मैं सीधे घर भेज दूँगी। इसके बाद फिर मैंने मंगाया था मसालदानी, मेरी जो मसालदानी है वो स्टील की है, बहुत पुरानी है, जब हम फर्स्ट बार ली थी तब से चली रही है, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था अब चेंज कर देनी चाहिए, तो मैंने ये मंगाया। तो ये भी काफ़ी सस्ता है, 120 रुपए में है, बट ये साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा है, साइज़ मतलब जितनी भी मसालदानी है उतना है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा रहता, बट अब 100 रुपये में क्या ही मिलेगा ना, समथिंग 110 120 का ऐसे ही कुछ का होगा, तो मैंने भी इसे रख लिया है।
और इसके बाद आज दोपहर के खाना बनाने की है छुट्टी, भूख भी नहीं लगी थी। और फिर हस्बैंड जी लेके आ गए थे मार्केट से राइस, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए मैंने लगा दिया है। और जब भी थोड़ा सा गिर जाता ना इन कपड़ों के ऊपर तो बड़ा गुस्सा आता है ना, मुझसे गिरता नहीं है बट अभी थोड़ा सा गिर गया था। तो यहाँ पे अंशु बहुत ही वो करता है, पता है हमें क्या ही बताऊँ, छोड़ो। तो ये इतना अच्छा लगता है ना मुझे राइस, हम खाते ही नहीं है वैसे मार्केट से, बहुत ही कम चलता है, बट आज पता नहीं क्या मूड बना हस्बैंड का तो वो लेके आ चुके हैं। शाम के बज चुके हैं, 5:30 बज गए हैं। सामने घर में आ गए थे मेहमान, यानी हमारे पड़ोसी जो कभी कभार ही आते हैं बैठने के लिए, तो वो लोग आ गए थे। तो उनके साथ थोड़ा सा शाम का जो टाइम है उनके साथ ही निकल गया, तो बहुत देर तक बैठे थे हम, आधा एक घंटा उनके साथ बैठे थे। फिर मैं नीचे चली गई थी टहलने के लिए और सूजी को टहलाने के लिए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा बिजी हो गई थी, वीडियो बन नहीं पाई। तो अभी उनको चाय पिला के वो लोग जा चुके हैं, तो शाम की चाय जो है गई हमारी हो चुकी है। सो गई मैंने चढ़ा दी है इसमें सब्जी, तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, तो रात का खाना मैंने बनाने की तैयारी कर दी है। तो इसमें और गाइस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। जो रिंग लाइट वाली वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैं सोच रही हूँ ना उसको अलग से ऐड कर दूंगी, क्योंकि फिर मैं इसी में ही अगर उस वीडियो को वो करती हूँ ना तो फिर मुझे वीडियो भगा भगा के वो करना पड़ेगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ अगर लेना है तो फिर मैं उसके बारे में ना बता नहीं पाऊंगी, मुझे फिर वीडियो जल्दी जल्दी भगा भगा के दिखाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उस वीडियो को मैं थोड़ा सा अलग से डाल दूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, जिसको भी लेना है वो ले सके। तो इस वजह से ना वीडियो भी फिर बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको अलग से वो कर लिया है। वो वीडियो मैंने बना लिया बट उसको मैं कल को ही डाल दूंगी। तो अभी तो मेरा यहाँ पे खाना बनाने का काम चल रहा है और हम आटा मल के रोटी बनाने की तैयारी करते हैं और आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का, फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।